चलिए बच्चों, कुछ डाउट आए आपके? मैंने कुछ होमवर्क दिए थे, बताओ आप कहाँ सॉल्व हुए आपके? अरे हाँ, वो कुछ बोलो कि आप कितना चालू था आपने, डाउट आए आप चलो पूछो, डाउट पूछो। बाकी क्लास में भी अगर किसी को डाउट होगा तो वो आकर के अपना डाउट बोल सकते हैं। किधर लगेगा?
फोर्स लगाएगा भाई, इसको मैं क्या बोल दिया dm, बताओ बेटा कितना फोर्स g, इस वाले का मास कितना है dm, उस वाले का मास कितना है m, अपॉन दूरी क्या है x, x का स्क्वायर है ना, समझ में आया बेटा, अच्छे से आया समझ में, तो ये कैपिटल g dm की वैल्यू रख दूं कैपिटल m बाय कैपिटल l dx into m, ठीक है into m, अच्छे से समझ में आ गया, अपॉन क्या बच्चे x स्क्वायर, क्या आया देखो g कैपिटल m small m by l dx by x square, ये क्या है बेटा छोटू सा एलिमेंट के कारण इस पे लगने वाला फोर्स, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे एलिमेंट हैं इस रॉड में, यहाँ से कितने यहाँ तक हर एक एलिमेंट इस पर फोर्स लगाएगा, तो उन सारे फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करने के लिए हमारे पास क्या हथियार है बेटा, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करो ये आपकी सोचने लायक की बात है, बताओ कहाँ से कहाँ तक करो बेटा, कहाँ से कहाँ तक करो, जल्दी बोलो बच्चे, इस फील्ड से लेकर इस फील्ड तक पूरा रॉड लगाएगा ना, बताओ किस रॉड की दूरी यहाँ से डी होगी ना, डी है और इसे भी की दूरी डी प्लस है, यदि एल प्लस डी कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, b से निकल के x पर इंटीग्रेट कर देंगे, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ df इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ g कैपिटल m स्मॉल m बाय l dx बाय x स्क्वायर d से l प्लस b तक, है ना, ये क्या देगा मुझे बेटा टोटल फोर्स, ये सारी चीजें क्या है कांस्टेंट है, बाहर आएगा कैपिटल m स्मॉल m बाय l इंटीग्रेशन dx बाय x स्क्वायर d l plus d, नहीं समझे बता दो कितना इसमें इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अरे जल्दी बोलो फटाफट बोलो कितना हो जाएगा, इसको ऐसा लिख सकता हूँ x का पावर माइनस टू, जल्दी बोलो इसको ऊपर ले जा सकता हूँ x का पावर माइनस टू लिख सकता हूँ कि नहीं, अरे बोलो रॉकेट साइंस थोड़ी बोला गया नहीं, g कैपिटल m स्मॉल m बाय l दूरी क्या है पावर वाला बता दो, माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन d से l प्लस d याद है ना, तुम आप ये ऐड कर देंगे और वही चीज डिवाइड कर देंगे, तो g कैपिटल m स्मॉल m कैपिटल l, अरे बोलो बोलो ये कितना बचा, x का पावर कितना बचा माइनस वन, यहाँ कितना बचा माइनस वन, कितना हुआ d l प्लस d, यहाँ तक नोट किया कि आपने सबने नोट किया, यहाँ तक उधर का मिटाओ मैं नहीं मिटाओ फटाफट करो, बैठे कितना नोट करो, मैं कल का पढ़ाया हुआ या जो रनिंग चैप्टर है उसकी चीजें मैं कभी भी आपसे पूछ सकता हूँ, तो कभी भी आए तो क्या बोलते हैं रिवाइज करके आए, ठीक है, आप आंसर नहीं करेंगे तो हम पीटेंगे,
by x d sin n plus theta minus g capital N small m by l upper limit of theta is equals to x equals n plus d minus 1 of the lower limit of theta is equals to x equals d simplify the lady minus g capital N small m capital L d into n plus d into minus l minus d capital in the capital minus minus capital minus l by d l plus d in the capital minus minus l capital d capital m small m d into l plus this is the force which will be exerted by the rod on the particle. Second, d capital M small m by d into l plus d. अरे बच्चे समझ आया क्या आपका? कुछ दिक्कत है तो बोलो, अच्छे से समझ आया? जिसको इंटीग्रेशन आती होगी उसको अच्छे से समझ में आएगा, तो जिसको नहीं आती होगी तो वो कहना तो सर पटक ले। समझ गए ना? आगे नहीं चेंज हुई, सिर्फ क्या हुआ है
को डेढ़ से कैसे डिवाइड करें सर, मैं वो भी बताऊंगा, बिल्कुल भी चिड़चिड़ाऊंगा नहीं। लेकिन जब बताने के बाद आपने बोल दिया हाँ सर 10.1 में, अब मुझसे कोई भी डाउट नहीं रहा, उसके बाद मैं कभी बोलता हूँ कि हार्ड रख देते बेटे इस क्वेश्चन को बताओ, तो फिर आपको बताना चाहिए, तब फिर मेरी बात, उस समय आप नहीं बताए तो फिर मैं कूदूंगा, अब बनता है ना मेरा, है कि नहीं। तो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उस समय आप जितने जैसे तैसे क्वेश्चन करना चाहते हो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर इट्स योर ड्यूटी, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिप्लाई ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय मी, इजंट इट? ओके, अंडरस्टूड? ठीक है, तो आपने कौन सा पूछा? क्वेश्चन नंबर 17, शर्माना बिल्कुल नहीं है, एकदम बिंदास होके पूछ रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन पूछ लोगे मैं एक एक भी बता दूंगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, आप लोग पर्याप्त रूप से होशियार हो रहा है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मून एंड अर्थ इज कैपिटल डी। ये मान लो बेटा मून है और ये मान लो अर्थ है, ठीक है, मून एंड अर्थ इसके बीच की डिस्टेंस कितना हो रहा है? कैपिटल डी। कोई दिक्कत है तो बोलो। द मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स द मास ऑफ द मून, इसका मास मान लो m है, ठीक है, इसका मास कितना है? m है, इसका कितना हुआ बेटा 81 m हुआ, नहीं ना समझ आया बच्चे? At what distance from the center of the earth the gravitational force on particle will be zero? ठीक है, इसके बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर कि force of gravitation between them is proportional, center the gravitational force on a particle, यहाँ पर अगर मैं कोई particle लाकर रख दूँ, मान लो उसका mass कितना है capital है, उस पर force क्या हो? Zero। तो बताओ ऐसा क्वेश्चन हमने किया है कि नहीं किया, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फिर भी मैं चिड़चिड़ाऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी आपकी बारी, आप पूछ सकते हो, क्लियर है? बताओ आपको बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए इसको, करेंगे कि नहीं ऐसा क्वेश्चन? ठीक, क्या करेंगे बताओ, है ना, इस पर फोर्स जीरो कैसे होगा जब भाई ये इसको क्या करेगा? चलिए बोलो, अट्रैक्ट करेगा किधर? इधर। ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा इधर। मान लो ये कितना बेटा आर, तो ये कितना हो जाएगा? डी माइनस आर, ये टोटल कितना है? कैपिटल डी था, इधर से आर, इधर से डी माइनस आर, तो ये फोर्स मान लो एफ वन, मान लो एफ टू क्या होना चाहिए दोनों? इक्वल, एफ वन बराबर एफ टू, बताओ एफ वन कितना? जी कैपिटल एम स्मॉल एम ऑन आर स्क्वायर, इधर कितना होना चाहिए बेटा? जी 81 m into capital M upon d minus r का square। अरे याद आया क्या तुमको? जिसने पूछा उसको याद आया? करें ऐसा कि नहीं करेंगे? तो जल्दी बोलो, शर्मा गया क्या है? इसका शर्मा की याद आई? बोलो, 1/ क्या होता है? 1/ r तो इसका 9/ d minus r, d minus r बराबर 9 r, d बराबर 10 r, r बराबर d by 10। एक तरफ से इधर कहां से निकालने को मिलता है ये? At what distance from the center of earth की तरफ से निकाला, तो इधर से निकाला, तो d minus r चाहिए, इधर से कितना आया बेटा? 0.1 भी आया, उधर से क्या हो गया? 0.9 भी, है ना, यानी 9/10, ये ना समझा? बोलो हीरो, नाम क्या बेटा आपका? मोहम्मद। नहीं सुना मुझे, अथर, अथर, अथर ना, और क्या बच्चे? ओके बेटा, कर दू चले पहली ब्लॉक वो किस को बनाएंगे?
called
जानेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को लिखकर समझ गए क्या? अब समझाया नहीं मैंने। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखो बेटा कि मैंने क्या बोला, अगर आप उस फील्ड में रहोगे तो वो आपके ऊपर क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। पक्की बात है? तो ध्यान से तो मान लो बेटा ये जो ये बॉडी है इसका मास कैपिटल एम है और यहां से आर दूरी पर एक छोटी सी मास रख दी हमने स्मॉल एम, चलेगा? ध्यान से बोलो, ठीक है ना? तो ये इसको क्या करेगा बच्चे? फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके फील्ड में, क्योंकि ये इसके फील्ड में, तो इधर एक फोर्स लगाएगा कैपिटल एम। मैंने तुझे क्या लगाया? फोर्स लगाया। तो बेटे आप क्या देख रहे हो? एम के जी मास पर कितना फोर्स लगा बेटा? एफ फोर्स लगा कि नहीं? एम के जी पर कितना फोर्स लगा? एफ फोर्स लगा। किसके कारण? इसके कारण। ये क्या हुआ बेटा? सोर्स पर। इसके कारण देखना है ना मेरे को, और ये मेरे की क्या हुआ? ऑब्जेक्ट पर जिसके ऊपर इफेक्ट देखना है वो है। नहीं समझ रहे? फोर्स कौन लगा? ये ना, ये कारण है ना, सोर्स है, और इस पर हमें उसका इफेक्ट देखना। नहीं समझा? तो उसके एम के जी पर इसने कितना फोर्स लगाया भाई? कैपिटल एफ लगाया। सपोज आने के बाद समझ में, तो मैं अगर ये जानना चाहता हूँ कि एक के जी पर कितना लगाया, तो बताओ क्या होगा? है? अरे बोलो। एम बाय एन। आवाज। अरे जब गाड़ी चेक करते हैं, है ना? एम के जी पर एफ और ए के जी पर एम बाय एन। है? साष्टांग दंडलम प्रणाम है माते। है? अरे बोलो। एम बाय एम बहुतों का आया है, है ना? और किसका है एम बाय एन? क्या हो जाएगा? एफ बाय एम। जिसकी सोचने की भी जरूरत ना हो उसमें तुम लोग ऐसा सोचते हो कि पूरे शौचालय बना देते हो। अरे समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? तो ये जो फोर्स हुआ वो कौन सा फोर्स? ऑन वन के जी। फोर्स ऑन वन के जी मास। इसको मैं ऐसा बोलू क्या? फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास। वन के जी मतलब यूनिट मास। समझ गए क्या बेटा? ये जो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास होता है ना, उसी को कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल ई से या कहीं कहीं कैपिटल आई से। अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से नोट किया जाएगा, नोटेशन उसका अलग अलग हो सकता है, ई या आई, कुछ दिन कर रहे दो। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? क्या बोलोगे बेटा? फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड द हमेशा मेरी लेक्चर में होता है। तेरह तारीख तक नहीं चाहते कि खत्म हुआ है, तुम लोग यही मना रहे हो नहीं खत्म हुआ तो ठीक है। क्या बोला मैंने? फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन के जी मास यानी यूनिट मास इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एट दैट पॉइंट। मतलब ये अलग अलग पॉइंट पर क्या होगा बेटा? अलग अलग। इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको कैसे समझ सकते हैं? मैंने क्या बोला? फोर्स ऑन यूनिट मास। ठीक है, तो जैसे कि देखो नाम से ही देखो क्लियर है ना, नाम कैसा है इसका? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड दैट मींस कि इंटेंसिटी मतलब क्या होता है? कितना तेज। इंटेंस मींस व्हाट? कितना तेज, यही हुआ ना, मतलब उसकी डिग्री। अरे मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं? हाँ पक्का ना? हाँ।
तो जैसे कि मान लो एक राजा है, उसका एक राज्य होता है ना, तो उसके पूरे राज्य में क्या होगा भाई, उसकी नियम कानून चलते हैं, उसका प्रभाव होता है, ठीक है। आगे बात समझ, उसकी बाउंड्री, वो उसका क्या हुआ, फील्ड हुआ, उस राजा का वो फील्ड हुआ, वो एरिया हुआ, वो क्षेत्र हुआ, ठीक है, उसमें उसका चलता है। अब मान लो कोई सामने से, है ना, सामने से कोई उसमें आना चाहता है, मतलब अटैक करना चाहता है, ठीक है, कोई अटैक करना चाहता है, तो क्या होगा भाई, राजा की जो सुरक्षा होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, हाँ पता है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो सुरक्षा होगी वो कहाँ होगी, किले में, वो जहां पे होगा उसका जो फोर्ट होगा वहां पे सबसे ज्यादा होगा, है ना। और फिर जैसे जैसे वो राजा से दूरी बढ़ेगी तो वो क्या होगा, उधर थोड़े कम सुरक्षा कर्मी होते हैं। अगर आपको जाकर के उस राजा को मारना है तो सोचो क्या होगा, आप जितना करीब जाओगे वो उतना तेजी से क्या करेगा, रिटेलिएट करेगा, आपके ऊपर हमला करेगा, है ना, वो उतना ज्यादा ताकत के साथ आपको रोकने की कोशिश करेगा, करेगा। समझा पा रहा हूं मैं, अच्छे से समझ रहे हो तो बेटा, तो इसका मतलब ये है कि हर जगह पर वो बराबर ताकत से नहीं लड़ेगा, जैसे जैसे आप उसके जितने करीब पहुंचोगे वो उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी, वो और ज्यादा ताकत के साथ आपको क्या करेगा, युद्ध करेगा आपके साथ, नहीं समझ रहे हो। तो उसी प्रकार से हर जगह पर वो बराबर फोर्स नहीं लगाता, आपने पहले ही देखा है डेल्टा यूनिवर्सिटी फोर्स तो आर स्क्वायर होता है ना, तो जब आर ज्यादा रहेगा तो उसमें फोर्स कम लगेगा, अल्टीमेटली यही बोल रहा हूँ ना, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास, फोर्स ही तो है, तो जैसे जैसे पास आएंगे आर घटता जाएगा बेटा, आर घटेगा तो फोर्स बढ़ता चला जाएगा, दैट मींस कि हर जगह पर ये फोर्स सेम नहीं रहता, यानी ये इंटेंसिटी हर जगह पर सेम नहीं रहता, अलग अलग पॉइंट पर, अलग अलग लोकेशन पर फिर क्या होगा, अलग अलग होगा, दैट मींस कि ये पॉइंट फंक्शन है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग आएगा। कुछ दिक्कत है तो बोलो, इतनी कहानी समझ में आई, क्या बोला मैंने, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ा नहीं सकते तो मैं कुछ कर लेता हूँ तब तक, ठीक है, डिस्कस करते हैं अपन, हाँ ऑलरेडी सब रेडी है भाई, सृष्टि शाह खड़े हो बेटा, बोलो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, स्टेटमेंट बोलना बेटा, कैपिटल जी क्या है उसका यूनिट बोलो, जल्दी बोलो, सबके पास नहीं पढ़ती है बेटा, पढ़ाई नहीं करती घर पे, बच्ची बच्ची के पढ़ाई करना चाहिए ना, गलत बात है, प्रॉमिस करो नेक्स्ट टाइम बच्चे आऊंगी, प्रॉमिस नहीं, अभी घर से खा वाला नहीं, यूं के बोल के बात चाहिए, बोलो आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम यू विल आस्क एंड आई विल आंसर, तीनों डीए बाई डीटी को आप एरियल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, एरिया पर यूनिट टाइम, एरिया पर एरियल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं इसको, एरियल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट है ना, और कितना होता है बेटा, कितने के बराबर, एल बाई टू एम के बराबर, काट लो सेकंड पेज ऑफ़
टेम्परेचर 120 डिग्री पर उसको जाओ मत बोलो आता है बोलो उसको है
डाइमेंशनल फार्मूला ऑफ कंडीशन फिट एम वैल्यू का क्या आया कौन सा क्या कौन सा क्या एम एल टी माइनस टू और मास का क्या बेटे एम एम और एम कैंसिल हुआ एल टी माइनस टू इसे समझा बेटे क्या हो गया एल टी माइनस टू ये एल टी माइनस टू और किस चीज का होता है बेटा एक्सेलरेशन का तो याद रखना बेटा जो फील्ड होता है ना वो न्यूमेरिकली इक्वल टू होता है इसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के भी न्यूमेरिकली इक्वल होता है तो आप अभी जो पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड में फिर से वही चीजें आएंगी ठीक है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अंडरस्टूड मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्विवेलेंट टू क्वांटिटी कैसी है तो याद रखना बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी चलिए बोलो बच्चे समझ आ रहा है वेक्टर क्वांटिटी तो इस वेक्टर का ये क्या होगा बेटा मैग्नीट्यूड ओनली डायरेक्शन किधर होगा तो एफ क्या है बेटा वेक्टर है ना ठीक है एफ वेक्टर है एफ स्केलर है इधर फोर्स का डायरेक्शन होगा उधर भी फिट का डायरेक्शन होगा आपको फोर्स किधर लगता है वो पता चलता है सीधा सीधा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में फिट का डायरेक्शन होगा अच्छे से समझ लिया आपने ठीक है तो वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन इट्स डायरेक्शन आई बोल लो इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स टुवर्ड्स डी ठीक है इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स डी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अरे आने समझ में कुछ दिक्कत हो तो तुरंत बोलना ओके ना तो ये हो गया बेटा हमारा किसके बारे में ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में ओके आगे बढ़ू मैं क्या समझ में आया कि जो फील्ड होता है ना वो सिर्फ इस मास पर डिपेंड करता है
सोर्स मास पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जो मास है उसको बोलते हैं टेस्ट मास। इसको हमने टेस्ट करने के लिए लगाया है कि आखिर कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा ड्यू टू 1 kg। नहीं समझा? ठीक है, तो फिर देखो इस एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, कैपिटल एम आ रहा है, स्मॉल एम तो आ ही नहीं रहा है। कैपिटल एम के कारण ही हमें क्या करना था, फिल्ड निकालना। ठीक है जी, कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर इतना हमारा फिल्ड आया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन हमें यहां से पता चलता है, एक तरीका। दूसरा आप इस तरीके से सोच सकते हो, बाय डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा बेटा, कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास। तो अपनी मर्जी से यहां क्या रख लें हम, 1 kg रख लें, तो क्या हो जाएगा फोर्स बताओ, कैपिटल जी कैपिटल एम इनटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो भी देखो बढ़िया है ना, कैपिटल जी एम बाय आर स्क्वायर, दिस इज फील्ड। इसी को फील्ड बोला क्योंकि यहां पर मास हमने कह दिया है 1 kg के लिए। नहीं समझा? ठीक है, तो एक पॉइंट मास की वजह से जो फील्ड होता है वो कितना होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर। नहीं समझा? एम कौन है जिसके कारण फील्ड हमें निकालना, एम कौन है जिसके कारण हमें फील्ड निकालना। जैसे मैं एक बॉडी हूं, ठीक है, मेरे पास कुछ मास है, तो मेरे कारण क्या है, चारों तरफ फील्ड है। समझ गए बेटा? तो मैं अगर अपने वजह से यहाँ पर निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मेरा मास और मेरे से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, मेरा फील्ड निकलेगा उस पॉइंट पर। किसी दूसरे पॉइंट पर जाना है वहां का आर लूंगा, किसी और तीसरे पॉइंट पर जाना है वहां का आर लूंगा। कोई दिक्कत है? सारी बात समझ गए? तो दिस इज दी फील्ड ड्यू टू और पॉइंट। अच्छे से समझ आ गया, नोट कर लिया आपने? फील्ड जीरो होगा, कौन से पॉइंट पर फील्ड जीरो होगा, चलो फटाफट जाओ।
सबसे पहले सही सही जवाब देगा। इस तरफ से बेटा 4 केजी से 4 मीटर, और किसी का आगे गया 4 केजी से 4 मीटर।
sin of 225. Kya bolii beta? Kya bolii? E is equal to g n 2 by 25. 2 by 25. Now what? नीचे आ रहा है ऐसा हाँ मोटल फिट कितना मैग्नीट्यूड बोला जी नहीं नहीं रूप रूप पर नहीं बोला हाँ हाँ बाइट मिटी पर और किसी का रहा है देखो ऐसा और किसी का रहा है सब बिना वेक्टर के पढ़ने में बहुत तकलीफ होगी बार बार कहता हूँ पढ़ लो वेक्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री लॉ ठीक है बेसिक मैथ मैथमेटिक्स ना पढ़ोगे फिजिक्स में कितना भी पढ़ा लो कुछ नहीं हो पाएगा कुछ भी नहीं बताओ मैग्नीट्यूड में बराबर होता है तो रिजल्टेंट किधर आता है बेटा
¿Tiempo?